हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंदर सिंह तोमर और आप जानते हैं कि मैं डेली की तरह आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो टीईटी और सीटीईटी में आने की काफ़ी हद तक संभावना रहती है। दोस्तों, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये सेट है बाल विकास अभिज्ञान का, ठीक है दोस्तों। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपनी तैयारी के लिए सफल बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अपने प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी वीडियो के लिए देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो आपके लिए सब्सक्राइब कर लेना है उसे, और मेरे और बेल आइकन के लिए भी ऑन करना है, तो आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आज के अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं जो कि बाल विकास अभिज्ञान से हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रथम प्रश्न है हमारा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, किसका है ये कथन, बताइए किसका है दोस्तों। तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वुडवर्थ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों अगर आपके लिए साफ दिखाई नहीं देता है तो। ये लीजिए, मैंने जूम कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है इसका फोर्थ, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व ग्रही किशोरी अपनी डैडेस के प्रति कठोर होंगे तो बताइए किसके लिए कठोर होंगे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं दोस्तों, तो इसमें से जो राइट होगा वही मैं आपके लिए बोलूँगा, क्योंकि जो रॉन्ग है उनके लिए बोलकर क्यों अपना समय ख़राब करें और आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए जो राइट होता है दोस्तों आप वही पढ़िएगा, गलत पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या, ठीक है, राइट आंसर ए है इसका, समस्या हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों डैडेस संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है तो बताइए। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ है इसका राइट आंसर, पियाजे द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर हो जाएगा, बहुत विनित स्वयं से सीमित, ये राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना सिक्स नंबर है दोस्तों, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती तो बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीयता, ये राइट हो जाएगा फोर्थ, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो बताइए किन्होंने नहीं दिया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों फोर्थ गुथरी, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, स्कूल का वस्ता, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, पूर्व किशोर अवस्था से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो किससे है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फोर्थ, तत्परता से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो के लिए लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यनरत रहना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से हैं बताइए। तो राइट आंसर है ये सभी, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, चारों तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। बालक की व्यक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, ठीक है, तीनों राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो राइट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट है धनात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग क्या है? तो बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिष्य
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, मूल प्रवृत्तियात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो बताइए कौन से बच्चों के लिए समायोजन की समस्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर थ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड है इसका राइट आंसर, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, बताइए क्या है, तो सेकंड हो जाएगा प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है तो किसका है, तो ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, यह दिया गया कथन सत्य है, सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो किसका रखना चाहिए बताइए, फर्स्ट विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास में
का विशेष महत्व है तो किसका है तो बताइए, ये खेल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अंतिम दो क्वेश्चन है दोस्तों। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है तो बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, बुद्धि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट 30, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है तो बताइए, किससे संबंधित है। तो राइट आंसर आएगा थर्ड, नैतिक विकास से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो के लिए लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।